कैमरामैन को मैं उड़ा के करिए भाई फोकस, ये देखो भाई यो जादू है, और इसका ये देखिए यो जादू है, यो तारकोल है कदे नो सोचो कूं कि मैं और है ए ले और पैड लो, इसकी ये बाउंड्री बना रखी है दूर की दूर, इसकी या कंडीशन है। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइफ आप देखने लग रहे हो, आसी विधानसभा में मौजूद हूँ, उस विधानसभा में जित चर्चे चालक 1000 करोड़ रुपया का विकास होया है, और वो विकास ऐसा होया है कि नॉर्मल रोड तो ठीक थे, आज एक जादुई रोड आपने देखने मिला है, तो आप भी दिखावांगे इस रोड में जो है दो बार जादू हो लिया, और उसके दो चार बार और जादू करना पड़ जाए, के जादू है वो मैं आप दिखाऊंगा। कैमरामैन को मैं उड़ा के करिए भाई फोकस, ये देखो भाई यो जादू है, और इसका ये देखिए यो जादू है, यो तारकोल है कदे नो सोचो कूं कि मैं और है ए ले और पैड लो, इसकी ये बाउंड्री बना रखी है दूर की दूर, इसकी या कंडीशन है, और कैमरामैन को एक बार दिखाइए भाई ये कंडीशन इसकी, या देख लो बीच में तभी दिखावांगे, लेकिन सबसे मेन बात जो है शुरुआत जो है बाहर तक करूं, कोई बाउंड्री नहीं है, भीतर बढ़ जाए है बाहर आ जाए है, बाउंड्री नाम की चीजें नहीं है, लेकिन इस रोड पर जो है जादू वाली बात जो है यो देख लो, कुछ काकेताऊ बताऊंगे, माटी पे जो है वो घेर दिया है, थोड़ा तारकुल भी को नहीं हो रहा कि मैं सौदा घेर क्या के घेर क्या ले, अरे फिर नु को बोले हमने 1000 करोड़ का विकास कर दिया, ये बीच में कंडीशन भाई देख लो, अरे पूछांगे काकेताऊ आप है, मतलब कि इतना बढ़िया रोड बनया है कितनी खुशी हो है। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी आपके एरिया में आपके गांव में इतना बढ़िया रोड बन गया, नहीं दिक्कत थी हमें ना इस रोड की, हाँ बड़ी मुश्किल से मनवाने की कोशिश करी यो मनाया, हाँ इसने दो बार ईवी में दो बार घेर दिया यो, हाँ और कह लिया इसमें उसमें सीएम विंडो में भी ला दी, हाँ ना तो सीएम विंडो आया ना कि मैं करिए इसका, हाँ और यो काम कर रखा है भाई, दो बार घेर गए हैं, देखे अरे यो अच्छी ने घेर दिए, फिर करिए कैमरा फोकस, यो देखियो भाई डबल टाकी लाग रही है ऊपर तक बार बार, एक बार पार्टिया द्वारा बनया है यो, घने दिन को नहीं है सारा, मतलब दो महीना 15-20 दिन में दो बार बन भी लिया, फिर भी ये काम कर रखा है, बाउंड्री तो है कोने यार, या देख लो भाई माटी पूरी लगा रखी इ तड़का, मतलब बराबर में टाल लाग गई नहीं, हाँ। ना या जमा भी कुन रखी, हां देखे या जमा कुन रखी, देख पैर दस देश में बिल्कुल भाई, ये देख लो, ये देखिए एक बार कैमरा ऑन करिए फोकस है, पूरे जे दो दो साधना क्रॉसिंग होने लग जाए, एक तो इसमें पलटा इस पलटा पलटा खा जी भाई, हाँ बड़ी दिक्कत है हमें इस चीज की, हाँ और हमें ना तो सारे शिकायत भी कर ली इसकी, हाँ ना तो कोई आंदा हुआ है, एक दो बार आए हुए हैं, हुए भी एसडीओ पर के नु कहे नुए मनाएगा भाई, बताइए कोई बात हो यार बहन, जो सरकारी कर्मचारी या बात कहेगा नुए मनाएगा या कोई बात से, यो कौन से गांव से कौन से गांव का रोड है, यो डंडेरी तर सीधा आसी जावा मामनपुर की ने, हां आड़ा उम्र के भी खेत लागा है राड़ा, मतलब आसी जावे यो, हां और यो काम से भाई इसका, हां ये करा के, हां भाई जी के कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में, भाई जी इस पर कुछ भी काम कुन कर रखा ना, तो इसका कंपैक्शन मिट्टी का चलता चलता भारी कोई साधन आओ नहीं, ऑटोमेटिक बैठ जाता है, ई जो है कैमरामैन को ये क्यों दिखा दे, उर तो ट्रैली बरबर के जाओगे पहुंचेगी दूर, नहीं पहुंचेगी वो वहां पे भी दस रही है, दो तीन बार वहां मिट्टी की दसगी, तो गेहूं की तौर भारी 150-150 मनना 200-200 मनना जाओ तो ऑटोमेटिक दसेगी, और फिर नमी आए पाछे धान धुन लगेंगे नहीं, उसमें सारे रोड खत्म हो जाएगा, हाँ सीगा विधायक ने एक सीरीज शुरू कर रखी नारियल फोड़न की, चाहे सरपंच के और किसी के हो नारियल फोड़न विधायक आया खरे, इस रोड का भी फोड़न आया होगा इसका, तो भाई मैंने देख ध्यान को नहीं, मेरे ख्याल में कोनी कोनी आया है, कोनी आया है, आओगा तो आओगा तो देखेगा के बार बार यो होली के सीएम विंडो पर भी लगा ली, आवे भी तो आवे कुकर इस चीज का विजिलेंस में भी लगा ली, सारा ला ली, दो सैंपल भी हो लिया इसका, एसडीओ रिएक्शन आए थे दोबारा 15 दिन, दोबारा फिर लहर ले गए या लहर देख लो दूसरी, या फिर दोबारा खत्म होने हो रही है, 20 दिन में और खत्म हो जाएगी, अब साधन चलेगा, लहर देखो ये लहर देखो, ये 15 दिन पहले तरकुल डाल के गए हैं थोड़ा थोड़ा आधे आंगन माल, ये इस पर पूरा पे भी नहीं डाला, पूरा पर डाल देते तो ये खड़े नहीं रहते, ये पूरा खड़ा है देखो, ये तो अपने देसी भाषा में थूक के बंद ला रखे, थूक के बंद ला रखे, ये गेहूं ढोवांगे नहीं 15 दिन पास रोड पावे को नहीं, 150 मन का लोडिंग ट्रैक्टर जाओगा तो कहाँ रुकेगा इस पर, ये रुकने वाला माल है, इस पर नहीं रुकेगा कुछ नहीं, चिकना मुंह चिकना पेट खा ले, गमी गमी की बात करूं, जगर पाछे गमी चढ़ने लग रही है,
और पोस्टर दिया दस है को नहीं का बिल्कुल दस है का उस गमी पता इस पर ट्रैक्टर आओगा लोड की ट्रॉली अगर कोई भी साधन आ गया लोड का हाईवा आ गया कुछ भी आ गया तो इसको ऊपर अंदे बैठेगा। दूसरा इसमें उच्च अधिकारियां की मिली भगत है जो भी है जिन्हें भी इसका टेंडर पास करे है जेई है जो ठेकेदार है उनकी मिली भगत है इसके अंदर है। नहीं तो रोड का सीधा इसके दोनों साइड की बाउंड्री होनी चाहिए प्रॉपर मिट्टी का फिलअप होना चाहिए ताकि क्रॉसिंग का टाइम पे गाड़ी बैठे नहीं। बाउंड्री की तो कोई नामो निशान नहीं है टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है बाउंड्री तो है ही नहीं है एक बार अंदर है एक बार बाहर है बाउंड्री तो है ही नहीं इसके अंदर। चौड़ाई कितनी है भीरा चौड़ाई अब 22 फुट है वैसे तो रोड की इसकी पूरी गमी की लेकिन रोड कुछ 3 क्रम का कुछ बना रखा है 12 फुट का रोड है बिल्कुल। इसका सीधा सीधा आरोप हम ये लगावा भाई इसमें अधिकारियां की जय ठेकेदार की इनकी आपस की मिली भगत है। यो देखियो भाई ये देखो ये सौदे है यो तारकोल तो होना तारकोल देखियो इसका सही मिक्सअप करके डाले नहीं रखा हाँ। इस पे जो पिछली बार एसडीओ और जो बड़े अधिकारी आए थे उन्होंने निर्देश भी दिए थे ठेकेदार को कि भाई दोबारा तो बनाना है यो अच्छा था लेकिन उनने फिर लिपा पोती करके अपना काम एक दिन में कम्प्लीट करके हाँ। वो भी जाते रहे हाँ। चलो भाई एक बार और जो है वह गमी चढ़न लग रही है ओडे भी हालात दिखा जाए इसके के हालात है अरे कितना बढ़िया यो रोड लागन लग रहा है आप बता सको इसकी जादुई रोड कह जाए तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात और मैं आपने बता दूं कि आपने देश के जो है प्रधानमंत्री हो लिया या फिर बड़े बड़े मंत्री दावे करे है भाई माम जो है विदेश वाली टेक्निक लैन लग रहे हैं तो तब जी नू तो नहीं कि दूसरे देश की टेक्निक ले दूसरे देश की हरियाणा की टेक्निक को नहीं हिंदुस्तान की को नहीं टेक्निक इसमें माल नहीं निकल रहा अभी देखो ये इस पर ट्राली चढ़ेगी रोड पर गेहूं की तो ये इसमें देखो आप देख लो ये इसमें चढ़ जाएगी ट्राली बिल्कुल इसमें ट्राली चढ़े नहीं सकती ये देखो ये इसमें ट्राली चढ़ जाएगी क्या इसके ऊपर इसमें ना तो रोलर है ना कुछ रोलर मार रखा है ना इसके ऊपर कोई प्रॉपर तारकुल तुरकुल कुछ नहीं डाल रखा है इस पर ट्राली आओगी तो वो बैठे बैठेगी बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला जी दावा करेंगे हमने इतना हजार करोड़ इतना हजार किलोमीटर की सड़क का हमने वो कराया है जाल बिछाया है ऊपर तक सड़कें बनवाई हैं लेकिन यह सड़क देखो ऐसी ऐसी सड़कें बना के अपने अपने मतलब साबित करेंगे हमने ये काम करे है बेरा तो आपने कै हजार करोड़ का जो है इसका टेंडर था इसका कोई 1.40 करोड़ का इसका टेंडर था जिसमें ये देख लो माटी माटी गेड़ रखी है कितने रुपये लाए होंगे 50-20-30 लाख रुपया में कर करके हो जाए लिया है बाकी उनके गोजा में है इलेक्शन भी तो लड़ेंगे ताऊजी मतलब कैस कहा सारे रुपये रोड पे तो लगे नहीं तो गए खड़े ठेकेदार पर इन पे गए कर्मचारियों पर और कर जाएंगे सबकी मिली भगत मिली भगत है ये जो तो आए थे उधर हम भी उड़ा ही था वो इनका एसडीएम बोला एसडीएम सुबला और उड़ा तो चल रहे थे हमें प्रोपत है और उन्होंने ठोकर मर मर फोड़ा था और हादसे था मैं तो वो कि मैं कही की तो कहा कोनी बोले इसके पीछे रोक लो वो पीछे पासे बेरा को नहीं पीछे रोक के क्रिया ये लोग तो इसमें की में क्रिया को नहीं और यो हाँ। तो इस साइड का है इस आगे अगर आप चलांगे जैसे जैसे हांसी की तरफ आप बढ़ते चलांगे इस रोड का और ज्यादा दुर्गति है बिल्कुल 10 दिन के अंदर अंदर की बात है जो इन्होंने लिपा पोती करी है उसके बाद की आगे तो कुछ भी नहीं है। यह चीज सेम हांसी में भी हुई थी सुबह दिन में रोड बनाया रात ने पैट गया फिर सुबह दोबारा तारकुल गिर दिया वह हांसी नहीं हांसी गया आसपास के गांव में सारा ही है जितने रोड जितना भी सिस्टम जो बनाए हैं उन पर ऐसा ही है लिपा पोती का काम है अपना अपना बस एक नु दिखाना कि भाई हमने यो काम किया है। एक चीज जो मेरे ध्यान में आई जहां तक सातवास के जितने गांव है चाहे वो उमराड़ा रोड ले लो आपने इसका जिक्र किया सारे के एक से हालात है या बेल्ट जो है मौजूदा सरकार जो है उसका सदाए मतलब किसने एंटी वोट डाली है आसी हल्का एक ऐसा है जिस तरह जो भी जितने भी विधायक आज तक बने हैं उन इनकी खिलाफत में काम करया है सात बास में कोई काम नहीं हुआ है। उमरा रोड के तो इतनी ज्यादा दुर्गति है ओडो को तो मतलब ही नहीं साधन टपजे साधन जाने बस जाने कुछ भी ओडो को तो खड्डे हैं वो 4-4 फुट 5-5 फुट के तो खड्डे हैं उनके अंदर बारिश का टाइम में तो नू नहीं पता चला भाई खड्डा है कि रोड है बहुत बुरे हालात है हांसी हल्का के विधायक जितने बने हैं जो भी विधायक है तो हैं हाँ। सारे एक न दे देनी मान ले नू कहे है भाई खिलाफ चल रहे खिलाफ क्या हमें तो पर्ची मतलब हमारे भाई चल दी दी वो तो आपके तो देंगे भाई आपको ने यार कोई बात तो कोई नहीं इस चीज नहीं का के रोसा है लेकिन इस बेल्ट का मतलब जितने उरे वोट है उस हिसाब से काम नहीं होता काम हो को नहीं कोई भी काम को नहीं होया 5 साल की में भी को नहीं कर वोट मांगन सारे आज वोट मांगन आ जाएंगे
वोट मांगना है मेरी बात सुन, वोट तो देखे आपका हिसाब से दिए जाएंगे किसी ने नू को जबरदस्ती को नहीं भाई दिया मालिया हमीन दे दिए वो मन गया तो ले मारे कर्म में दूसरा मन क्या दिखा मतलब ये थोड़ा है भाई मतलब वो काम करे को नहीं काम तो मारा भी हक तो है उसमें सरकार में हक तो मारा भी बिल्कुल है, है। काम मतलब ऐसी बात नहीं है जो पार्टी सत्ता में जो लोग सत्ता में कुछ तो कुछ परसेंट में लोग उरे उनकी भी पर्ची पर्ची गेड़े दे क्या को नहीं पर्ची तो सारे का मां मतावे है जदे मना है नू तो है को नहीं बहुत चाबंद हो है ये प्रेम उठा था नहीं जब भी मारा तो मतलब 350 पर्ची कितनी लगनी थी नगर परिषद के बारे में कहा जाए भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन आस पास भी देख लो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अरे हालात इसे है कि आदमी ने बोलने की जरूरत को नहीं आयो रोड खुद बोलने लग रहा है रोड कलकी मारने लग रहा है और इसमें जो भी दोषी है मैं तो उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए इसकी जो है तहकीकात हो केर जिस जिसमें का भी जो कसूर मिला है जो जो भ्रष्टाचार में शामिल है या फिर सीधी भाषा में जिस जिसकी गोज गर्म हो रही है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो कि इस रोड पर जो है ठेकेदार था जो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अरे सरकार ने जो है कमेटी गठित करके इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। ऊ तो बड़े दावे कर दे हमने विकास कराया है विकास कराया है यो विकास तो उन्दे मर लिया क्यों था बिल्कुल है विकास होया है कोनी मर लिया मर पल्ला ही मरिया पेटे में मर लिया पेटे में मर लिया होया है कोनी विकास तो। चलो भाई आपने हालात इसके देख लिए है अरियो डडेरी तो जो है मामनपुरा का सात बास का यो रोड है अरे या बेल्ट जो है इसमें कुछ काम नहीं होता मैं खुद इस बेल्ट का हूँ बड़ा दर्द है दिल में अरे जो की आवाज आप उठान दे रहे लगातार अपना हाथ में जितना वो प्रयास करांगे लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन का टाइम है एक एक नेता जो है गुडुड़ी होके आओगा उरे और उस दिन आवे नहीं परला रोड पे को नान दियो इस रोड पे को ले आइए इस पे को एक बार देख तो जा तेरा मतलब की आत्मा मानने नहीं है कि रोड ठीक है फिर बाद में बात करांगे और जे नो लाग गए कूरे इसमें कि मैं गड़बड़ है तो उल्टा हो ले। बिल्कुल जो लोग सत्ता में बैठे थे जो सत्ता में है जिनकी है उनका पुरजोर विरोध और पुरजोर वो किया जाऊंगा उनका इसके हालात भी दिखाए जाओगे उसके बाद उनका क्या कहना है हर सवाल पूछा जाऊंगा किसान बिरादरी के साथ इन जो अन्याय करे हैं जितने इनके फैसले थे जितने इन खिलाफत में है जितने किसान इन्होंने रिहा गिरफ्तार किए गए सबके बारे में एक एक सवाल पूछा जाऊंगा नहीं तो इनका पुरजोर विरोध गाँव के अंदर किए जाऊंगे इनकी एंट्री बैन है। बिल्कुल भाई एंट्री बैन जो है लगातार कई जगह आपने बोर्ड देखी है चर्चा सुनी है वह सुनने मिल गई आसी की राजनीति के लोग जो है खास करके सत्ताहीन बड़े भ्रष्टाचार हो लिए ऐसे आरोप लागण लग रहे हैं लेकिन आसी प्रशासन पर आज भी मैंने विश्वास है अच्छे काम करता है यार आगे भी करेगा और जो भी है भ्रष्टाचार में शामिल है आप इसी उम्मीद लगा सका कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और इसका जो है जैसी करनी वैसी बनी उनका आगे होगी। आप इस रोड के बारे में इस एरिया के बारे में इस एरिया के हालात के बारे में जो राय हो कमेंट बॉक्स में बता दियो। इतना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।